हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी का नाइट टाइम रूटीन, कि मैं उसका नाइट टाइम रूटीन कैसे करती हूँ और मैंने कैसे सीखा और इससे हमें कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है। तो बीइंग अ न्यू मॉम, मुझे इतना पता है कि मुझे अपने बेबी की केयर करनी है और साथ ही साथ मुझे अपनी भी केयर करनी है। सो इनिशियली ना मुझे फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम, तो ये सब तो नॉर्मल था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। तो उसके बाद व्हेन बेबी वाज अराउंड 6 वीक्स ओल्ड वी स्टार्टेड डूइंग हिज नाइट रूटीन। एंड गाइस, सब लोगों का ना सर्कैडियन साइकिल बिल्कुल अलग होता है, किसी को जल्दी नींद आती है, किसी को लेट नींद आती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे तो उन्हें भी समझाओ कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये हमारे ब्रेन हमें सिग्नल देता है हमें कब सोना है कब नहीं सोना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आपके बच्चे का भी जो सर्कैडियन साइकिल है ना वो आपको समझना पड़ेगा और आपको उसके हिसाब से ही सब चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, बट आपको उस रूटीन को फॉलो करने में उसकी हेल्प करनी होगी। वो क्यूज़ देगा कि उसको नींद आ रही है या नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो है ना रूटीन करना पड़ेगा। तो मैं मेरे बेबी का रूटीन जो है ना 7 बजे स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज़ आई नो वो 8 बजे के करीब उसको सोना है। और ये जो है ना, मैं इसका फेस वगैरह अच्छे से रात को क्लीन करके, पूरी बॉडी को क्लीन करके, फ्रेश कपड़े पहना के तभी सुलाती हूँ, ताकि ये ना बार बार परेशान नहीं हो कपड़ों की वजह से। और इसकी प्रॉपर नींद लेना ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस रात में डिस्टर्ब हो या फिर उसको इचिंग हो, इरिटेशन हो। सो या उसके लिए मैं अपना बेस्ट करती हूँ सो दैट ही कैन हैव अ गुड साउंड स्लीप। और अभी जो है ना, मैं इसका जो है ना नेक क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसकी नेक पे ना काफ़ी रैशेज हो रखे हैं और सारा दिन जो यहाँ पे स्वेटिंग होती है या फिर अंडर आर्म्स में, हैंड्स में स्वेटिंग होती है, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद मैं ना इसकी नेक पे जो है ना एक ऑइंटमेंट है मेरे पास, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, बहुत उसके बारे में ना रिव्यूज़ पढ़े मैंने और देन उसके बाद लिया है। एंड देन आप बेबीज़ को ना वंजीज पहना सकते हो रात में, बहुत सही रहती हैं क्योंकि इससे ना बॉडी टेम्परेचर सही रहता है। दूसरा जो है ना, बेबीज़ को दिक्कत नहीं होती कपड़ों में, क्योंकि अगर हम उसको जैसे शॉर्ट एंड टी शर्ट पहनाएंगे तो टी शर्ट कभी ऊपर हो जाती है या फिर पैंट उनको टमी पे परेशान कर सकती है, इलास्टिक उनको परेशान कर सकती है, और डायपर भी इससे सेट रहता है। सो मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं ना हर एक चीज़ प्रॉपर करूँ, ताकि बाद में मुझे ऐसा नहीं लगे यार कि मेरी वजह से परेशान हो रहा है। मैं इसको जो बचा हुआ फीड करा रही हूँ मिल्क, और उसके बाद मैं इसको सुलाने लेके जाऊँगी। और ये ना बीच में बर्प करता है, एक बार हाफ दूध पीने के बाद इसको बर्प करवाना पड़ता है, एंड इज़ वेरी स्मार्ट। बीच में अगर इसको बर्प आ रहा है ना तो ये दूध नहीं पिएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना कि पीते जाते उसके बाद उनको एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, बट इसको एसिड रिफ्लक्स कभी नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा बीच में एक बार बर्प करता है। एंड ये भी एक ट्रिक होती है, आप भी अपने बच्चे को आधा मिल्क पिलाकर पहले उसको बर्प कराओ बीच में, ताकि उसको बाद में जो है ना एसिड रिफ्लक्स ना हो, उसका मिल्क जो है ना बाहर नहीं आए। अब मैंने जो है ना कर्टन्स वगैरह लगा दिए हैं, इससे इसको हिंट मिल गया है कि अब मुझे सोना है, एंड इसीलिए वो आराम से स्वडल करा रहा है। एंड अब मेरी गोदी में आके मैं इसको थोड़ा सा वॉक करवाऊँगी, थोड़ा गाने वाने सुनाऊँगी, और एक पीछे ललाबाई चलाती हूँ मैं अलेक्सा पे, वो मैं इसकी एक फ़िक्स ललाबाई है वही चलाती हूँ हमेशा। उससे भी बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है कि एक ललाबाई रखोगे तो उसको ऐसा नहीं लगेगा बार बार कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि जो नाइट टाइम रूटीन में ना कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, वो आपको फिक्स ही करनी पड़ती हैं, तभी उसको समझ में आता है कि क्या हो रहा है उनके साथ। अदरवाइज़ आप हर रोज़ कुछ अलग अलग करोगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे कि उन्हें किस टाइम पर सोना है, कब उठना है। और जैसे ही सुबह होती है ना, हम लोग कर्टन्स हटा देते हैं, उसे पता चलता है कि अरे सुबह हो गई, अब उठना है। और सुबह सुबह बच्चा अगर बहुत खुश है ना तो समझ जाना कि रात में उसने ढंग से नींद की है। अगर सुबह सुबह बच्चा बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है या फिर रो रहा है या कुछ भी हो रहा है ना, तो आप समझ जाना कि रात में उसे अच्छे से नींद नहीं आई है। तो अभी जो है ना सुबह बहुत खुश होता है, हम लोग उसके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, और उसका ना मूड बहुत सही होता है सुबह, तो इससे हमें पता चलता है कि वी आर डूइंग समथिंग राइट। तो रात में हम अच्छे से उसे सुला रहे हैं ना, ये सब एफर्ट्स हम कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उसका फिज़िकल डेवलपमेंट होगा, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है ना।
यू कैन सी ही इज़ ऑलरेडी स्लीपिंग. तो मैं बाकी सारी लाइट्स भी ऑफ कर देती हूँ, जस्ट उसके रूम की एक लाइट ऑन रखती हूँ ताकि उसको डर ना लगे जब भी वो उसकी आँख खुले. सो दिस इज़ एम्बर कलर जो मैं ऑन करती हूँ बिल्कुल डिम पे, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से सो चुका है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा. सो गाइस ही जस्ट स्लेप्ट. इसको सुलाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ बच्चे सोते नहीं है, बट ही स्लीप ऑन टाइम 8 o'clock एंड ही इज़ जस्ट यू नो. तो बस अब मैंने मतलब पूरा इसको रूटीन किया एंड ही इज़ ऑलरेडी स्लीपिंग नाउ, और डीप स्लीप में चला गया पूरा, क्योंकि मैं उसको जो स्पीकर ऑन करती हूँ ना उससे बिल्कुल डीप स्लीप में चला जाता है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती उससे. तो यही पर्पज़ होता है, प्लस जो वाइट नॉइस होती है उससे बच्चों को वोम वाली फीलिंग आती है, उनको ऐसा लगता है कि हम वोम में हैं एंड दे फील सो मच सिक्योर एंड यू नो काम, और वो उठते नहीं है बार बार डर के. सो मैं वो स्पीकर जरूर चलाती हूँ, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में सोता है एंड देन वेक्स अप अराउंड 1 o'clock जब उसको भूख लगती है. एंड गाइज जो जो भी अभी अभी न्यू मॉम्स बनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंड ऑफ ऑल डोंट वरी एट ऑल. दीज इनिशियल डेज आर हार्ड आई नो, स्लोली दिस विल चेंज, जैसे मेरे लिए चेंज हो गया है. 5 घंटे अराउंड ये सो जाता है. सो दिस इज ही इज़ जस्ट 2.5 months ओल्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 month से तो इसका ये रूटीन फिक्स हो चुका है. सो गाइज यू नीड टू हेल्प हिम, ही डजंट नो एनीथिंग राइट. बेबी का रूटीन सेट करना पड़ेगा सो दैट यू ऑल्सो कैन हैव सम गुड स्लीप एंड यू कैन ऑल्सो डू समथिंग फॉर योर. पता है 8 बज गई है और मुझे सोना है, बिकॉज मैं कर्टन्स वगैरह सब लगा देती हूँ, लाला बाई चला देती हूँ, प्लस स्वाडलिंग हेल्प्स. जो भी स्वाडल नहीं करते हैं वो प्लीज़ स्वाडल करो, और वीडियोज़ देखो कैसे स्वाडल करना, कब तक स्वाडल करना, बिकॉज इसकी भी एक मतलब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जब बेबी रोल करने लग जाता है स्वाडलिंग नहीं करते हैं. सो अभी मेरा बेबी 2.5 months का है एंड ही डजंट रोल, एंड अभी तक मैं उसको स्वाडल कर रही हूँ, लेट्स सी कब तक कर पाऊँगी, बट स्वाडल लिटरली हेल्प्स. तो मैं इसको स्वाडल कर देती हूँ मिल्क वगैरह पिला के, पूरा रूटीन करके, एंड देन ही नोज़ कि अब मुझे सोना है. सो अगर आपको अपनी हेल्थ चाहिए, अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो बेबी का रूटीन बनाओ, उसके बिना नहीं हो पाएगा. समटाइम ही वॉन्ट्स पेसिफायर एज वेल, बट रिसेंटली उसने पेसिफायर लेना बंद कर दिया, थोड़ा मतलब कम कर दिया है, बंद नहीं किया है, दिन में थोड़ी देर के लिए लेता है बस, रात को ही बेयरली आस्क फॉर इट. तो बस उसको सुला दिया मैंने एंड मैं खाना बनाऊंगी. इट्स 8:30 ऑलरेडी, मैंने आधा घंटा पता नहीं इधर उधर वेस्ट कर दिया. खाना बनाऊंगी, पैक करूंगी, किचन साफ़ करूंगी, बॉटल्स वॉश करूंगी एंड सुबह के लिए प्रेप करती हूँ, बिकॉज सुबह साहिल ऑफिस जाता तो ये मेरे पास ही होता है जब तक नैनी नहीं आती हैं. और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू गाइज नो द ड्रिल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.